और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। केजरीवाल फिलहाल जेल में ही रहेंगे। केजरीवाल पर हाई कोर्ट में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी थी, लेकिन उसके बाद ईडी की टीम हाई कोर्ट पहुंच गई। हाई कोर्ट में ईडी ने कहा कि उन्हें अपनी दलील रखने का मौका राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिया नहीं और इस वजह से जमानत नहीं देनी चाहिए। सुप्रीम हाई कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है। हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और यही वजह है कि फिलहाल केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। तो जब तक हाई कोर्ट अपना फैसला ना दे दे, तब तक ये साफ नहीं होगा कि केजरीवाल जमानत पर बाहर आते हैं या नहीं। गाजियाबाद में नगर निगम की टीम की सब्जी मंडी में व्यापारियों के साथ भिड़ंत हो गई। दरअसल नगर निगम की टीम पॉलिथीन के खिलाफ छापेमारी करने सब्जी मंडी पहुंची थी, जहां व्यापारियों और निगम की टीम के बीच बहस हो गई। नगर निगम की टीम पर व्यापारियों पर लाठीचार्ज के आरोप लगे हैं। थाना से आने गेट पहुंचकर व्यापारियों ने आक्रोश करते हुए कार्रवाई की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि पुलिस एक तरफा सुनवाई कर रही है। आए थे जो वर्दी पहन के और इन्होंने आके पॉलिथीन पकड़ ली 2-3 किलो, ठीक है। तो वो पॉलिथीन भी ले गए, 25,000 रुपये मांगे इन्होंने कैश। फिर उसके बाद इन्होंने 10,000 रुपये फैसला करा, नहीं तो बदतमीजी कर रहे थे। फिर पापा का डंडा मारा, यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।